Hello students, in today's lecture we are starting our new chapter, that is chapter number 9 as per VK Ori. Chapter number 9 is arithmetic mean. Okay, arithmetic mean ek tarah ka central tendency hai. What it is? It is a central tendency. Now central tendency beta aap iske alawa median aur mode bhi padhoge, quartile bhi padhoge aur percentiles bhi padhoge. ओके तो अपन सबसे पहले ये समझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी. अभी अर्थमेटिक मीन हम शुरू करेंगे बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड सेंट्रल टेंडेंसी. स्टार्टिंग में दिख रहा है मीनिंग सेंट्रल टेंडेंसी का? यस सर. चलो मैं बता रहा हूँ. सेंट्रल टेंडेंसी रिफर्स टू अ सेंट्रल वैल्यू और अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज. मतलब ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है एक सेंट्रल वैल्यू है जो क्या कर रही है, जो रिप्रेजेंट कर रही है पूरे सीरीज को या पर्टिकुलरली स्टैटिस्टिकल सीरीज को. तो सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ पे अपन देखेंगे जैसे अर्थमेटिक मीन देखेंगे, मीडियन देखेंगे, मोड देखेंगे. तो हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? अब देखो अगर स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स याद हो तो तुमने कलेक्शन कर लिया, याद आ रहा है? कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन. अपन ने कलेक्शन का चैप्टर कर लिया, अपन ने ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर कर लिया, अपन ने प्रेजेंटेशन का चैप्टर देख लिया. अब प्रेजेंटेशन के बाद आप एनालिसिस कर रहे हो तो ये आपका मीडियन और मोड ये सब किसमें आता है बेटा? ये आते हैं एनालिसिस टूल में. आर यू गेटिंग? मतलब जब अपन मीडियन मोड और ये मीन निकाल रहे हैं तो उसका मेन पर्पस क्या है? उसका मेन पर्पस ही यही है कि हम क्या करेंगे, हम एवरेजेस निकालेंगे. नीचे अब जाओगे इंटरप्रिटेशन पे तो इंटरप्रिटेशन में आप निकालोगे आपके डिफरेंट रिलेशनशिप्स कि क्या रिलेशनशिप है दोनों डाटास में. तो हम क्या कर रहे हैं अभी, हम स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉलो कर रहे हैं. तो अभी तक अपन ने प्रेजेंटेशन तक देखा, लास्ट लेक्चर मैंने प्रेजेंटेशन का लिया था. अपन का लास्ट लेक्चर कौन सा था? अर्थमेटिक लाइन ग्राफ पे, याद आ रहा है? यस सर. ओके तो वो प्रेजेंटेशन से डील था. अब प्रेजेंटेशन के बाद एनालिसिस तो करें कि भैया जो डाटा है उसमें से मोड क्या है, उसमें से मीन ऑफ सीरीज क्या है, उसमें से मीडियन क्या है. एनालिसिस को बिठाएं कि व्हाट आर दी वैल्यूज ऑफ दैट और उस एनालिसिस के बेस पे बेटा वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अ कंक्लूजन. एक कंक्लूजन आपके दिमाग में आएगा कि ये जो मीन निकाला है ये यार मीन मार्क्स है. मान के चलो आप सब ने टेस्ट दिया, अब मुझे ये देखना है कि व्हाट आर दी मीन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट क्लास. तो मुझे मीन निकालना पड़ेगा, जो फॉर्मूला दिया होगा उस अकॉर्डिंग आई विल बी कैलकुलेटिंग मीन और उस हिसाब से बताऊंगा कि भैया एटलीस्ट मेरा एक बच्चा इतना एवरेज स्कोर तो करके आएगा ही. ओके सो ये अपने को देगा कि भैया ये देगा एक आउटलुक कि भैया इस पर्सन ने इतना तो करा ही है. दिस इज द मीन एवरेज स्कोर ऑफ द पर्सन. ओके तो चलो अब सबसे पहले देखा उसमें लिखा हुआ है पर्पस एंड फंक्शंस ऑफ एवरेज. दिख रहा है पर्पस एंड फंक्शंस ऑफ एवरेज? तो क्या पर्पस है, व्हाट इज द पर्पस? सबसे पहले अपन उस पॉइंट पे डिस्कस करते हैं हम एवरेजेस क्यों निकाल रहे हैं, हम ये मीन मीडियन और ये मोड क्यों निकाल रहे हैं. सबसे पहला पर्पस आपका मीन मीडियन मोड निकालने का है टू गेट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यूज. जैसे अपन ने मीन मीडियन मोड निकाला एक कंक्लूजन आएगा कि भैया मीन मार्क्स ये हैं, बीच के मार्क्स ये हैं, मोड के मार्क्स ये हैं और आप पूरे डाटा को ना स्टडी करते हो उन डाटा से भी कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हो. सेकेंड कंपैरिजन करना आएगा. कैसे कंपैरिजन करेंगे बेटा? अगर मैंने मीन मार्क्स निकाले, मान के चलो पूरी क्लास में का मीन मार्क्स आया, मान लो 50 मार्क का टेस्ट था और नॉर्मली हर किसी ने 30 के ऊपर मार्क्स लेकर आए हैं, सो 30 मेरा मीन मार्क्स बना. तो अब अगर जिसको 45 आएंगे मैं बोलूंगा कि ये अबव द एवरेज स्टूडेंट है क्योंकि एवरेज मार्क्स 30 है. अब किसी को अगर 25 आएंगे तो मैं क्या बोलूंगा, ये बिलो द एवरेज स्टूडेंट है क्योंकि एवरेज कितना है मेरा 30. तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा कि भैया एक ए स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है, तो स्टूडेंट ए के जो मार्क्स है वो
25 थे और स्टूडेंट बी के जो मार्क्स थे वो 45 थे, तो 45 मार्क्स वाला अबव द एवरेज स्टूडेंट है, मतलब वो रैंकर बन सकता है, उस पर अगर कैपेबिलिटी है वो रैंकर बन सकता है, वो रैंकर है भी, हो भी सकता है कि वो रैंकर हो। और जो 25 मार्क्स वाला लेकर आया है ही इज अ एवरेज स्टूडेंट और बिलो एवरेज स्टूडेंट। क्लियर? ओके, कंपैरिजन हम कर सकते हैं। थर्ड जो आपका कॉन्सेप्ट है बेटा, थर्ड इज हेल्पिंग इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। आप जो आएगा रिजल्ट मीन मीडियन मोड का, उससे पॉलिसीज फ्रेम कर सकते हो। जैसे सरकार को पॉलिसी फ्रेम करनी है बेटा, तो सरकार क्या ढूंढेगी? सरकार पहले ढूंढेगी भैया कि अपने को कहाँ पे चाहिए। अपन देखेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज के लिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की पर कैपिटा इनकम है रुपीज 38,000 सपोज, ऐसा एक एग्जाम्पल। तो अकॉर्डिंगली क्या करेगी? अकॉर्डिंगली अगर गवर्नमेंट को इंक्रीज करना है तो हमने एवरेज इनकम के लिए क्या लगाया होगा? पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला याद आ रहा है? बताया है 9th क्लास में पर कैपिटा इनकम क्या है? फॉर्मूला पर कैपिटा इनकम का सर, टोटल पॉपुलेशन अपॉन इनकम। हाँ, टोटल पॉपुलेशन को ऊपर ही, पॉपुलेशन को ऊपर ही भेज देते है ना, टोटल इनकम अपॉन टोटल अपॉन में टोटल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे भी क्या निकाल रहे हो? यहाँ पे भी तो आप एक एवरेज इनकम निकाल रहे हो कि एक पर्सन कितना कमा रहा है इंडिया में। सो टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, सो उससे क्या निकलेगी? पर कैपिटा इनकम। तो उस पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या करेगी? पॉलिसी फ्रेम करेगी। तो गवर्नमेंट ने भी तो लगाया स्टैटिस्टिक्स, उसने पे डाटा कलेक्ट करी होगी इनकम के बारे में, फिर पॉपुलेशन के बारे में डाटा कलेक्ट करी होगी, उसको एनालाइज, उसको ऑर्गेनाइज करा होगा, प्रेजेंट करा होगा, फिर जाके उन्होंने ये निकाला ताकि वो एनालिसिस कर पाए, इंटरप्रिटेशन कर पाए और उस हिसाब से पॉलिसी बना सके। चलिए फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है उसमें? फोर्थ पॉइंट है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। मैंने पहले ही बोला ये आपका क्वेश्चन क्या करेगा? आगे के एनालिसिस के लिए हेल्प करेगा। कैसे? अब जो मेरे पास पर कैपिटा इनकम आई है मैं उसको यूज करूंगा फॉर माय फ्यूचर। इसमें लिखा है एवरेज कंटिन्यूज टू द बेस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इफ वन नोज द एवरेज मार्क्स। मैंने वही बोला कि अगर मुझे एवरेज मार्क्स पता है तो मुझे ये पता चलेगा कि जो एवरेज मार्क्स के ऊपर जा रहा है वो रैंकर बनेगा, टॉपर बनेगा, और जो एवरेज मार्क्स के नीचे जा रहा है हो सकता है कि वो फेल भी हो जाए। ओके, उस हिसाब से क्या करूंगा मैं? एनालिसिस बिठाऊंगा। लास्ट है वन वैल्यू फॉर ऑल। वन वैल्यू फॉर ऑल मतलब जो ये मीन मीडियन और मोड निकाल रहे हो वो एक तरह की वैल्यू है, पर वो वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है? दैट होल वैल्यू इज रिप्रेजेंटिंग ओवरऑल दैट पर्टिकुलर डाटा। ओके, वो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है, चाहे वो मीन हो, चाहे वो मीडियन हो, चाहे वो मोड हो। ठीक है? यस सर। ठीक है, फिर आ जाओ, देखो लिखा हुआ है एसेंशियल्स ऑफ गुड एवरेज। मतलब क्या एसेंशियल पॉइंट्स हैं गुड एवरेज के? व्हाट आर द एसेंशियल पॉइंट बताओ? फर्स्ट पॉइंट क्या दिख रहा है उसमें? क्लियर एंड स्टेबल डेफिनेशन। मतलब उसकी डेफिनेशन बदलनी नहीं चाहिए। अगर मैंने फॉर्मूला एक बार बना दिया उसको स्टेबल, सपोज मैंने मीन का फॉर्मूला लिख लिया कि सम ऑफ मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर मैंने ये मार्क्स के लिए फॉर्मूला बनाया है तो ये हमेशा ही सेम रहेगा, ये स्टेबल रहेगा, क्लियर रहेगा, अनक्लियर कंक्लूजन नहीं आने चाहिए कि भैया अभी ये वाला अभी वाला नहीं। इट शुड ऑलवेज बी अ क्लियर कंक्लूजन कि जब आप पर्टिकुलरली मीन निकालोगे तो हमेशा यही फॉर्मूला लगाओगे। फिर सेकेंड, इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव। मतलब जो डाटा आप प्रेजेंट कर रहे हो वो उस पर्टिकुलर वैल्यू, उस पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करता है। ओके, वो क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव। थर्ड, इट मस्ट बी सिंपल टू कैलकुलेट एंड टू अंडरस्टैंड। मैंने बोला कि मीन मार्क्स, मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि वहां पे टीचर बात कर रहा है एवरेज मार्क्स के बारे में, बच्चा कंफ्यूज नहीं हो। ओके, फिर उसके बाद क्या बोला है बेटा? सर्टेनिटी। व्हाट इज सर्टेनिटी? क्या होता है सर्टेनिटी बताओ?
देखो मैं उसमें से रीड कर रहा हूँ, सर्टेनिटी मस्ट बी देयर शुड बी अ सर्टेन कैरेक्टर्स ओनली देन एन एवरेज वैल्यू कैन बी यूज फॉर स्टैटिस्टिक. मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फॉर्मूला बदलने नहीं चाहिए. अगर आज मैंने मीन का यही फॉर्मूला लिखा है दैट इज समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन दैट इज एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये सर्टन होना चाहिए. जो पहले बोला क्लियर एंड स्टेबल दैट इज सेम, जो आप फॉर्मूला बना रहे हो दैट मस्ट बी वेरी सर्टन, वो चेंज नहीं होना चाहिए. फिर फिफ्थ पॉइंट क्या बोला बोलो सर? एब्सोल्यूट नंबर. हाँ, इट शुड बी अ एब्सोल्यूट नंबर जो उसी में से कोई एक हो, ऐसा नहीं कि उसी से अलग हो जाए और पता ही नहीं चले. यहाँ पे लिखा हुआ है अ गुड एवरेज शुड बी एन एब्सोल्यूट नंबर, अ परसेंटेज और अ रिलेटिव वैल्यू डज नॉट इज अ गुड एवरेज. ऐसा नहीं कि मैं परसेंटेज का ले लूं, डाटा मुझे मार्क्स में दिया हुआ है और मैं एवरेज निकाल रहा हूँ परसेंटेज में. अरे जब मार्क्स में दिया हुआ है तो मार्क्स में ही निकालो ना मीन, मीडियन और मोड. आपको परसेंटेज में निकालने की जरूरत नहीं है, वो एब्सोल्यूट नंबर ही काफी है. फिर सिक्स पॉइंट क्या बोल रहा है? Least effect of a change in the sample. ऐसा नहीं जैसे मैंने सैंपल बता तो आपका आंसर ही बदल जाए, उस पे सैंपल का लीस्ट इफेक्ट आना चाहिए. क्या बोल रहा है? अगर उसमें सैंपल का लीस्ट इफेक्ट आया मतलब आपका कैलकुलेशन सही है. कैसे? मान के चलो मैंने मीन मार्क्स निकाले, सपोज 25 स्टूडेंट्स थे, मैंने फिर पहले स्टार्टिंग के 10 ले लिए उनका मीन निकाला तो वो हो गया, फिर उसके बाद एक और सैंपल ले लिया 10 तो उनके लिए भी वही फॉर्मूला लगाऊंगा. ऐसा नहीं कि इनके लिए अलग फॉर्मूला है इनके लिए अलग फॉर्मूला है. That's why वो क्या होगा, least effect of change in sample. मतलब sample में इतना change नहीं होना चाहिए. Seven क्या बोला? Algebraic treatment. मतलब उसको आगे जाके आप process कर सकते हो. जैसे बेटा mean को आगे अपन निकालेंगे mean deviation. अभी आएगा next chapter जब अपन पढ़ेंगे dispersion, तो mean के आगे mean deviation निकाल सकते हो. मीन से आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो, इसको बोला जाता है एसडी. मीन से आप वेरिएंस निकाल सकते हो आगे जाके पढ़ोगे. तो ये क्या हो रहा है, मीन को ही आगे हम यूज कर रहे हैं फॉर दिस मेनी पर्पस. हो गया? यस सर. चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ एवरेजेस? दिख रहा है कितने टाइप्स ऑफ एवरेजेस है बताओ सर? टू. हाँ बोलो कौन कौन से टू टाइप्स हैं? मैथमेटिकल एवरेजेस और पोजिशनल एवरेज. पोजिशनल एवरेज. तो मैथमेटिकल के अंदर क्या क्या आएगा? अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और सर ये थर्ड वाला क्या है? ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन. तो ये सारे मीन से रिलेटेड है. अभी अपन से अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आर नॉट इन योर कोर्स. पोजिशनल में क्या आएगा? मीडियन, मोड, पार्टीशन वैल्यू. पार्टीशन वैल्यूज होती हैं बेटा क्वार्टाइल्स, Q1, परसेंटाइल्स, डेसाइल्स, इनको बोला जाता है पार्टीशन वैल्यू. चलो और मोड देखेंगे. ठीक है? यस सर. यस. चलो अब एक एक करके इनको देखते हैं. ओके चलो अब एक एक करके देखते हैं. जस्ट अ सेकंड. ओके अब आ जाते हैं बेटा आप अर्थमेटिक मीन पे. व्हाट इज अर्थमेटिक मीन? क्या होता है अर्थमेटिक मीन? अभी बताया ये एक का पोजिशनल एवरेज है कि मैथमेटिकल एवरेज है बताओ. इट इज अ पोजिशनल एवरेज और मैथमेटिकल एवरेज? मैथमेटिकल. ओके फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये एक तरीका क्या है, मैथमेटिकल एवरेज. अब बेटा हम हर एक क्वेश्चन जो होगा आगे मीन, मीडियन और मोड पढ़ेंगे, तो अब हर एक क्वेश्चन में आपके पास तीन सीरीज आएंगे. पहले नोट डाउन कर लो. पहली होगी कौन सी सीरीज? इंडिविजुअल. फिर होगी डिस्क्रीट और लास्ट में होगी Frequency. Okay. और हर एक सीरीज के लिए बेटा अलग अलग फॉर्मूलाज होंगे.
इंडिविजुअल के लिए अलग फॉर्मूला लगेगा, डिस्क्रीट के लिए अलग फॉर्मूला लगेगा और कंटिन्यूस के लिए अलग फॉर्मूला लगेगा। क्लियर? अब एक बात समझो कैसे निकालेंगे। अब सबसे पहले अगर मुझे मीन निकालना है तो सबसे पहले देखो नीचे दिया हुआ है टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन, एक तो दिया हुआ है सिंपल अर्थमेटिक मीन और दूसरा क्या दिया हुआ है वेटेड अर्थमेटिक। ओके, तो दो तरीके की मीन्स होती है बेटा, फेस होती है सिंपल अर्थमेटिक मीन और दूसरी कौन सी होती है दैट इज वेटेड अर्थमेटिक। तो अपन सबसे पहले अभी क्या निकाल रहे हैं सिंपल अर्थमेटिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन अपन बाद में निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सीरीज कौन सी लेंगे बेटा, सबसे पहली सीरीज अपन ले रहे हैं इंडिविजुअल। ओके, इंडिविजुअल सीरीज से स्टार्ट करें। यस सर। चलो इंडिविजुअल सीरीज का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये बताओ। सर अलग अलग सीरीज। अलग अलग सीरीज तो होती है पर इंडिविजुअल सीरीज का क्या है मतलब बताओ। इंडिविजुअल सीरीज में ऐसा क्या होता है सर, चीजों को अलग अलग सीरीज में बांटा जाता है। नो, देखो इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज है जिसमें सिर्फ आपके सामने डेटा है, डेटा की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। ओके, फ्रीक्वेंसी जो होगी ना बेटा, फ्रीक्वेंसी विल बी मेंशन्ड इन डिस्क्रीट सीरीज और इट विल मेंशन्ड इन कंटिन्यूअस सीरीज। ओके, इंडिविजुअल सीरीज में कोई भी फ्रीक्वेंसी मेंशन्ड नहीं होती है। जैसे मैंने बोला कि सपोज अरमान के स्कोर आए 30, फिर आए 40, फिर आए 70, फिर आए 90। तो स्टार्टिंग हाफ ईयरली में 30 मार्क्स थे, फिर 40 मार्क्स आए, फिर 70 मार्क्स आए, फिर 90। तो ये मैंने इंडिविजुअल सीरीज की तरह ले लिया। यहाँ मान के चलो मैंने बोला कि फोर बॉयज हैज गिवन दिस एग्जामिनेशन एंड दीज आर दी स्कोर ऑफ दैट फोर बॉयज। तो आपने ऐसा प्रेजेंट कर लिया। अब मुझे इसका मीन निकालना होगा, तो मैं मीन कैसे निकालूंगा, मैं सबसे पहले करूंगा इनका सम, दैट इज 30 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 90 होल डिवाइडेड बाय हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर 4। तो ये अपना सिंपल फॉर्मूला बनेगा सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन जिसको रिप्रेजेंट करते हैं समीशन ऑफ x से डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आया समझ में इंडिविजुअल सीरीज? यस सर। ओके, अब ये तो हुआ बेटा, अब देखो इसमें मेथड भी समझेंगे। दिस इज अ डायरेक्ट मेथड। व्हाट इज द डायरेक्ट मेथड फॉर्मूला बताओ मुझे। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। ओके, तो ये तो हो गया अपना डायरेक्ट मेथड। अब जैसे सपोज इसका निकालो तो क्या आएगा, करो सॉल्व करो, कॉपी पेन निकालो। इसका 230 डिवाइडेड बाय 4, 230 डिवाइडेड बाय 4, 4, 3, 7, 7, 7, 14, 14 plus 90, 230 divided by 4. ये आएगा आपका 57.5। आया? यस सर, 57.5। ठीक है, अब देखो अपन इसी क्वेश्चन को अब अज्यूम्ड मीन मेथड से करेंगे। ओके, अज्यूम मीन मेथड क्या होता है, अब इसके बाद जो सेकंड होता है उसको बोलते हैं, ये तो डायरेक्ट मेथड था, अब अपन क्या यूज करेंगे, शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे जिसको बोला जाता है अज्यूम्ड मीन मेथड आल्सो। चलो क्या क्या ऑब्जर्वेशन थे, 30 प्लस 40 70 और 90, ये सारे ऑब्जर्वेशन थे। अब मान के चलो मैं इसमें से एक अज्यूम ले रहा हूँ, अज्यूम लिया मैंने 70। ओके, तो ये मेरे एक्स हो गए। ओके, दीज आर माय एक्स। अब मैं निकालूंगा डेविएशंस। डेविएशंस होते हैं जो भी आपने अज्यूम लिया है, इसको मैंने अज्यूम लिया है वो आप माइनस करो आपके एक्स से, तो डेविएशन आएंगे मेरे पास। डेविएशन निकालो, 30 माइनस 70 कितना हुआ, ठीक है। अब अपने के पास क्या है, अब क्या करेंगे, इनका सम निकालेंगे।
तो 40 नेगेटिव का 30 नेगेटिव का कितना हुआ माइनस 70, माइनस 70 प्लस 20 कितना हुआ बताओ माइनस 50 माइनस 50। अब शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला बेटा क्या होता है देखो, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होता है ए प्लस समीशन ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखो डी का अभी सम निकाला, कितना आया डी का सम बताओ मुझे माइनस 50 माइनस 50। आपने ए क्या लिया था 70। तो लगाओ फॉर्मूला में 70 प्लस, अब प्लस की जगह यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस 50 डिवाइडेड बाय 4। तो पहले 50 डिवाइड बाय 4 करो कितना आया, कितना आया 50 डिवाइड बाय 4 सर ओवरऑल 4 आएगा। 50 डिवाइड बाय 4 कैंसिल करो, ओवरऑल 4 कैसे कर दिया भैया, 70 माइनस 50 नहीं करना है, वो 70 तो अलग चल रहा है। अच्छा अच्छा ये तूने 20 बाय 4 कर दिया है ना, वाह। और 20 बाय 4 5 होता है, 4 भी होता है 12.50। 12.50 अब 12.5 माइनस का 70 से 77.5। वेरी गुड, 70 से 12.5 माइनस करना तो क्या आ जाएगा मेरा, नहीं 67.5। वेरी गुड वेरी गुड, अभी भी तुम गलत हो जाओ। नहीं नहीं 50 57। बाबा मैथ्स कहाँ सीखा था, अरे नहीं सर वो गलती हो गई। आया अरमान 57.5। यस सर। अरमान आया, यस सर यस सर। पूरी स्टेप्स एक बार ध्यान से देख लेना, सबसे पहले क्या करोगे जो भी ऑब्जर्वेशंस दिए हैं उसमें से आप एक अज्यूम नंबर लोगे, उस अज्यूम नंबर को आप सबसे माइनस करोगे, पहले कंप्लीट करने दे मुझे, उस अज्यूम नंबर को आप करोगे सबसे माइनस, जैसे मैंने यहाँ पे 70 लिया था और फिर 70 से माइनस किया 30 को तो माइनस 40, फिर इधर माइनस किया तो माइनस 30, इधर 0 और 90 माइनस 70 किया तो 20, फिर इनका सम निकाला तो सम आया माइनस 50। अब इसी सम को डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो फॉर्मूला क्या होगा अज्यूम्ड नंबर प्लस सम ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ लगाया अज्यूम नंबर 70 था, अब प्लस लगाता हूँ लेकिन ऑलरेडी सम किस में माइनस में, तो प्लस माइनस 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 50 डिवाइड बाय 4, इसको 4 से कैंसिल करा तो आया 12.5, तो 70 में से 12.5 माइनस करा 57.5 मेरा आंसर आया। यस सो बोलो अरुण कृष क्या बोलते हो, अज्यूम नंबर अपने मन से लेते हैं। हाँ तो कोई भी अज्यूम नंबर ले सकता है, ठीक है ओके जस्ट अ सेकंड बेटा। अरमान 40 से किया तूने, हाँ 40 से करा आया, हाँ सर 17.5, तो फिर 40 में प्लस करोगे 17.5 तो आपका आंसर वही आएगा। चलो अब आ जाते हैं इसके थर्ड मेथड पे, इसको बोला जाता है स्टेप डेविएशन मेथड। क्या बोलते हैं अपन उसको, स्टेप डेविएशन मेथड। अब देखो क्वेश्चन वही है, अब उसको मैं स्टेप डेविएशन से सॉल्व करके दिखाता हूँ। ओके स्टेप डेविएशन में क्या होगा बेटा, आप एक फर्दर स्टेप और ऐड कर लेते हो। अब आपके पास ऑब्जर्वेशन क्या थे 30, 40, 70 एंड 90। चलो अब कौन सा ए चाहिए तुम, कौन डिसाइड करो इस बार कौन सा अज्यूम चाहिए तुम्हें। मान के चलो आई एम टेकिंग 40 एज माय अज्यूम नंबर, सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं डेविएशन, कैसे निकालूंगा एक्स माइनस ए, तो ये मेरा एक्स है माइनस ए, 30 माइनस 40 कितना होगा माइनस 10, माइनस का 10, फिर 40 माइनस 40 जीरो, 70 माइनस 40 30, 90 माइनस 40 50। अब मुझे बताओ 90 माइनस 40 कितना होगा 50, हाँ भूल मत जाना। अब मैं यहाँ पे निकालूंगा डी डैश, डी डैश कैसे निकालेंगे बेटा, अपन यहाँ से किसी को एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है जिससे हम सबको डिवाइड कर सकते हैं सर 10, 10 तो हम ने यहाँ पे कॉमन फैक्टर कैसे निकाला, जो भी कॉमन फैक्टर निकाला डी को डिवाइड करो उस कॉमन फैक्टर से, तो यहाँ पे तुम लिखना कॉमन फैक्टर मेरा है 10, यहाँ पे स्पेसिफाई करना, तो कॉमन फैक्टर मेरा 10 है तो यहाँ पे मैंने 10 माइनस 10 से डिवाइड करा तो ये मेरा बना माइनस 1, फिर ये 0 आया,
फिर मैं 30 से डिवाइड किया 10 को तो ये 3 आया, और 50 से डिवाइड किया 10 को तो ये 5 आया। अब इसका सम निकालो, चलो डी डैश का सम निकालो कितना आएगा, 5 + 3 - 1 कितना हुआ, सर 7। 7। ओके अरमान कहाँ गया, कोई तो रिप्लाई नहीं था सर इधर। सॉरी माइक ऑफ था सर, माइक ऑफ था। 5 + 3 = 8, 8 - 1 = 7। अब अपन फॉर्मूला देखें तो देखो वहां तक तो सब सही है, ए प्लस समीशन ऑफ, अब आएगा डी डैश डिवाइडेड बाय एन, वैसे का वैसे ही, पर यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन फैक्टर से। नाउ पुट दी वैल्यूज, जो आपको वैल्यूज दी हुई है अपने पास, अज्यूम फोर्टी नंबर क्या था 40, फोर्टी समीशन ऑफ डी डैश कितना चल रहा है बताओ 7। ओके सर 70 सेवन सेवन के बाद सॉरी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 4, सेवन और मल्टीप्लाई करा कॉमन फैक्टर से जो है। ओके सो 70 / 4 पहले ये सॉल्व करो और उसको 40 में प्लस करो कितना आएगा, 70 / 4 फोर करो, सर 1.75 वेरी गुड 70 / 4 1.75, वाह नहीं 7/4 करा बोला वन आपने पॉइंट सेवन फाइव ठीक है, 1.75 को इंटू 10 कर करो वन सेवनटीन पॉइंट पॉइंट फाइव हाँ 17.5 सेवनटीन सेवनटीन पॉइंट फाइव पॉइंट तो फाइव 17.5 40 + 17.5 अपन का करा तो आपका आंसर वापस फिफ्टी आया सेवन पॉइंट फाइव 7.5। 57.5 अब देखो तुमको वहां पे एग्जाम पे कभी अगर मेथड के साथ दिया हो तो आपको वो मेथड फॉलो करना पड़ेगा, अगर एग्जाम में कोई मेथड स्पेसिफाइड नहीं है, नो मेथड इज स्पेसिफाइड, तो आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो, चाहो तो आप डायरेक्ट लगा लो, चाहो तो आप शॉर्टकट लगा लो जिसको अपन बोलते हैं अज्यूम मीन ऑल्सो बोलते हैं, चाहो तो आप स्टेप डेविएशन लगा लो जो आपको सूटेबल हो, पर अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप तो ये कर सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला है यू हैव टू अप्लाई शॉर्टकट मेथड तो शॉर्टकट मेथड से आंसर निकालना, क्वेश्चन में बोला है स्टेप डेविएशन तो स्टेप डेविएशन से ही आंसर निकालना। ओके चलिए सो टुडे सेशन वी आर एंडिंग ऑन दिस टॉपिक ओनली, आगे कल अपन पढ़ेंगे अबाउट डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग टुडेज लेक्चर, डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स ऑन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, एंड डू हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द टुडेज वीडियो।